लेकिन जैसा कि हम मिड कैप शेयरों में एक्शन की बात भी कर रहे थे, तो आज किन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, कहाँ पर मंदी है, ये भी समझ लेते हैं। खबरों के लिहाज से भी एक्शन कहाँ है, इस पर भी बात कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा। तो सबसे पहले जो है आपके टॉप गेनर्स में बात करें तो फ्यूचर रिटेल KRBL वन ऑफ द टॉप गेनर्स हैं दिन के ट्रेड में। इसके अलावा सीक्वेंट साइंटिफिक और शारदा क्रॉप केम, इसमें भी एक अच्छी जो है ट्रैक्शन देखने मिली है। लूजर्स की बात करें तो इन्फीबीम, RVNL और सेंचुरी प्लाईबोर्ड, यहाँ पर माफ़ करेगा मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडवांस देखने मिली है, और यहाँ पे सुवेन फार्मा ले लीजिए, ग्लेनबर्ग फार्मा ले लीजिए, एलेम्बिक फार्मा ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने मिल रही है। लगातार 2 या 3 दिन का ट्रेंड देखने मिल रहा है। रियल्टी स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। कल के सेशन में जो था, पिछले सेशन में मुनाफा वसूली देखने मिली, लेकिन आज जो है प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, बाइंग देखने मिल रही है। अब खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स है जो फोकस में रहने वाले। सबसे पहले है ईजी ट्रिप प्लानर्स, जो फोकस में रहेंगे। दुबई में उन्होंने एक रिटेल की जो अपनी ऑफिस खोली है, उनके एक्सपेंशन प्लान्स हो रहे हैं अब्रॉड में, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस भी फोकस में है। यहाँ पे वो खोरस करके कंपनी के साथ एक करार किया है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस के ऊपर। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आ गई है कि वो फंड्स रेट्स कर सकते हैं कन्वर्टेबल वारंट्स APL अपोलो मार्ट को देके, ये फोकस में रहने वाला। और आखिर में बात करेंगे स्टार सीमेंट्स का, जहाँ पे प्रमोटर ने लगभग 105,000 शेयर्स ओपन मार्केट में आज खरीदे हैं दिन के ट्रेड में।